द बीस्ट ब्रॉक लेसनर WWE इतिहास के सबसे खतरनाक रेसलर हैं, जिन्होंने अपना पंचम WWE के साथ UFC यानी MMA की दुनिया में भी लहराया है, और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर अपने करियर में सब कुछ पाया है। अपने विरोधी रेसलर को एक के बाद एक जर्मन सुप्लेक्स देकर उनके कमर को तोड़ना जैसे ब्रॉक की आदत बन गई है। पार्ट टाइमर हो के भी ब्रॉक की इज्जत WWE में एक फुल टाइमर रेसलर से भी कई ज़्यादा है। ब्रॉक लेसनर अपनी ताकत से दूसरे रेसलर का बुरी तरह बाजा बजा सकते हैं, वहीं दूसरे रेसलर ब्रॉक को हराने की सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। लेकिन WWE में कुछ गिने चुने रेसलर ही हैं जिन्होंने ब्रॉक को हराने का अपना सपना साकार किया है, वहीं कुछ रेसलर ही ऐसे हैं जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को दो दो बार हराया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को दो दो बार हराया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, गोल्डबर्ग। काफ़ी समय से ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग से एक मैच चाह रहे थे और बार बार उन्हें सोशल मीडिया और लाइव टेलीकास्ट द्वारा टारगेट कर रहे थे। आखिरकार अक्टूबर 2016 में जाकर गोल्डबर्ग ने अपनी WWE में पूरे 10 साल बाद वापसी की और आते ही अपना फेमस डायलॉग मारकर ब्रॉक यू आर नेक्स्ट करके ब्रॉक का चैलेंज एक्सेप्ट किया और इन दोनों का मैच सर्वाइवर सीरीज 2016 में फिक्स हुआ। फैंस को उम्मीद थी कि इस मैच में बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, पर मैच शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को रिंग कॉर्नर पर उठा ले गए। फिर गोल्डबर्ग गुस्से से लाल होकर ब्रॉक को तेजी से धक्का दिए और एक के बाद एक स्पेयर जड़ दिया, जिससे ब्रॉक लेसनर पानी पानी हो गए। जिसके बाद गोल्डबर्ग ने तावर तोड़ जैक हैमर ब्रॉक पर लगाया और सिर्फ 1 मिनट 23 सेकेंड में ही मैच अपने नाम कर सभी को अचंभित कर दिया। इससे पहले भी सन 2005 में रेसलमेनिया इवेंट में ब्रॉक लेसनर को गोल्डबर्ग ने हार का मुंह दिखाया है, जिस मैच में कोई आम रेफरी नहीं बल्कि WWE के रैटल स्नैक कहलाए जाने वाले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। गोल्डबर्ग ने ब्रॉक जैसे बीस्ट को लगातार 2 मैच हराकर यह रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 2, सेथ रॉलिंस। इन्होंने जो हाल ही के दिनों में किया है उनसे फैंस के अंदर इनके लिए रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है। 2019 इनके नाम रहा और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 2 बड़े मैचों में हराकर खुद को बीस्ट स्लेयर साबित कर दिया। सबसे पहले सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 35 में ब्रॉक से भिड़े। इस मैच के पहले दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि रिंग में ही दोनों आते ही बिना बेल बजते ही एक दूसरे पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। इस मैच में ब्रॉक लेसनर की ताबड़तोड़ तबाही देखने को मिली और लगा कि ब्रॉक इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, पर इस मैच में रुख पलटा और सेथ रॉलिंस ब्रॉक पर भारी पड़ने लगे और लास्ट में कब स्टॉप लगाकर ये मैच सेथ रॉलिंस अपने नाम कर लिए। फिर कुछ महीनों बाद ब्रॉक ने अपना बदला पूरा करते हुए अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके अपना खोया हुआ टाइटल फिर से पा लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद ही समरस्लैम 2019 में सेथ ने फिर से कमाल कर दिखाया और एक बार फिर से ब्रॉक को घुटने टिकाकर हराने पर मजबूर कर दिया और ब्रॉक हार गए। इस तरह सेथ रॉलिंस ने लगातार 2 बार ब्रॉक को हराकर WWE के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। नंबर 3, कर्ट एंगल। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल भी ताकत के मामले में किसी से कम नहीं थे, जिन्होंने अच्छे से अच्छे रेसलर को अपने सुप्लेक्स और एंगल लॉक से रिंग में चित किया है। वहीं कर्ट एंगल भी उन रेसलरों में से हैं जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को 2 बार हार का मुंह दिखाया है। कर्ट एंगल की ब्रॉक लेसनर पे सबसे पहले जीत हुई थी 13 मार्च 2003 के स्मैकडाउन के एपिसोड में। उनका ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। फिर समरस्लैम 2003 में इन दोनों के बीच एक घातक मुकाबला हुआ और ये मैच भी कर्ट एंगल के नाम रहा और कर्ट एंगल भी ब्रॉक लेसनर को 2-2 बार हराने वाले रेसलर बन गए। आप सभी को क्या लगता है ब्रॉक लेसनर को आगे चलकर कौन कौन से रेसलर होंगे जो 2-2 बार हरा पाएंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।